तो एक और सवाल आ रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, सर मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी थी किसी चीज की, या क्रेडिट कार्ड को यूज कर लिया था और मैं क्रेडिट कार्ड के पेमेंट नहीं भर पा रहा हूं, तो क्या लोन माफी के अंतर्गत क्रेडिट कार्ड का पैसा जो हमने यूज किया वो भी आएगा? और अगर बैंक सरचार्ज लगा रहा है, पेनल्टीज लगा रहा है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगा रहा है, तो क्या मुझे इससे छुटकारा मिल सकता है? क्या मैं इसके लिए सेटलमेंट के लिए चला जाऊं, या मैं कर्जा मुक्ति का वेट करूं और बैंक वाले लोग मुझे हरेस कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे, आपकी गाड़ी उठा कर ले जाएंगे, आपकी बाइक उठा कर ले जाएंगे, तो इसमें क्या नियम है और मैं क्या क्या कर सकता हूं, मुझे इसके बारे में गाइड किया जाए। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड का जो पैसा होता है वो अनसिक्योर्ड होता है, उसको लोन के रूप में अगर आपने ईएमआई करा लिया तो लोन के रूप में मान लो, या आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट यूज कर लिया है तो वो अनसिक्योर्ड पैसा है। और अनसिक्योर्ड का अर्थ ही ये होता है कि इसके बदले में कोई कोलेटरल या कोई सिक्योरिटी या कोई प्रॉपर्टी या कुछ रखा नहीं गया है। बैंक भी ये बात जानता है कि अनसिक्योर्ड लोन में किसी की प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जा सकता, गाड़ी को बाइक को नहीं लिया जा सकता। आपको जो ये बोल रहा है ये जरूर रिकवरी एजेंट होगा, या बैंक ने किसी रिकवरी कंपनी को काम दे दिया होगा, वो लोग हरेस करने का काम कर रहे हैं। तो वैसे तो हरेस तो कोई भी नहीं कर सकता, ना बैंक का कर्मचारी कर सकता, ना एनबीएफसी वाला, ना कंपनी वाला। अगर कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आपकी डिफॉल्ट कर जाती है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गाली गलौज कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, उसको बोलो मुझे नोटिस भेजो, बोलिए आप मुझे रिटर्न में नोटिस भेजिए, मैं इस तरह की गाली गलौज के खिलाफ आपके खिलाफ कंप्लेंट करूंगा। और आप कर सकते हैं, आप कंपनसेशन की मांग भी कर सकते हैं, आप एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं, 2 साल की सजा दिला सकते हैं ऐसे लोगों को जो आपके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हो या लोन का हो। किसी को भी आपके साथ गाली गलौज करने का अधिकार नहीं है। और रिकवरी एजेंट के बारे में तो मैंने पहले ही बताया था, उनके पास तो कोई अधिकार है ही नहीं। सबसे पहले तो उनके पास डीआरए का सर्टिफिकेट पूछ लो, बैंक का आई कार्ड पूछ लो, कंपनी का है तो कंपनी का जॉब कार्ड पूछ लो कि कंपनी ने आपको काम दिया कि नहीं दिया, वो दोबारा आपको कॉल नहीं करेगा। और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा होगा तो वो लोक अदालत से नोटिस लेकर के आएंगे। लोक अदालत में जाइएगा और वहां जाकर के बताइए कि भी मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूं, और अपनी स्थिति के बारे में बताइए क्यों नहीं दे पा रहा हूं और कब तक दूंगा। और वहां पर कई बार सेटलमेंट का ऑप्शन भी आता है, बहुत सारी जगह पर क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट 10-10% पेमेंट पर हुआ है। मान लीजिए 1 लाख आउटस्टैंडिंग बैंक ने दिखाया ना, 10,000 में सेटलमेंट हो गया, 20,000 में तो बहुत सारे सेटलमेंट, मतलब 20% पे तो बहुत सारे सेटलमेंट हो जाते हैं। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेटलमेंट की, जैसे मैंने वीडियो बनाया था, सेटलमेंट की ऑफर अपनी तरफ से नहीं देनी है, बैंक जब सेटलमेंट के लिए बोलेगा तब तब आप सेटलमेंट पर जा सकते हैं, कर्जा मुक्ति के लिए फॉर्म भर सकते हैं। कर्जा मुक्ति में हर तरह का लोन जो आपने लिया, चाहे क्रेडिट कार्ड से हो या पर्सनल लोन है या किसी बैंक से प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया गया, व्यापार के लिए लोन लिया, जो भी लिया, अगर आपको लगता है सरकार की गलत नीतियों के कारण आप कर्जे की दलदल में फंसे और आप अब लोन नहीं पे कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल आप कर्जा मुक्ति अभियान में फॉर्म भर सकते हैं। यह अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे सरकार आपका लोन माफ करे। अगर आप सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो ओटीएस स्कीम में वन टाइम सेटलमेंट के लिए जाइएगा, जितना पेमेंट हो उसको वन शॉट में भरने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यदि आपने ईएमआई लिया इंस्टॉलमेंट का और एक भी ईएमआई बाउंस हो गया सेटलमेंट का, तो जितना आपने भरा होगा बैंक उसको सरचार्ज पेनल्टी इंटरेस्ट में काट करके दोबारा रीसेटलमेंट के लिए बोल देगा, और पता चला आपको दोबारा पैसा भरना पड़ जाए। तो ऐसी गलती नहीं करनी और घबराना नहीं है। क्रेडिट कार्ड पर कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जा सकता कि आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाए, आपकी गाड़ी या बाइक को छीन लिया जाए। इस तरह की जो भी बातें बोली जा रही है वो गलत है, बहुत ज्यादा होगा तो वो मैंने कहा लोक अदालत से नोटिस लेकर के आएगा, वहां जाइएगा, वहां अपनी बात रख सकते।